साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? नूरा दे पठानी। नूरा दे पठानी जी हाँ। आओ किस लिए आई हो? दरोगा साहब आप अपनी ड्यूटी बताइए। हमारी ड्यूटी ये है जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोग हैं जी वो हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाने। अच्छा। जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर लाने, ये हमारी ड्यूटी है। काम बोलिए। आप कौन हो दरोगा जी? हम पठान हैं। हम भी पठान हैं। अच्छा। मेरी बेटी कम्मो हाँ अमृतसर पंजाब में रह गई है। अच्छा अच्छा। मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरी बेटी कवारी है। कितना परिवार है तेरी बेटी का? कवारी है। कवारी है जी हाँ। या अल्लाह तुम्हारी बेटी कवारी है? जी हाँ। कहाँ रुकी हुई है? अमृतसर पंजाब में। अच्छा। हम भी कवारे हैं अभी तक। आप भी कवारे हो? हाँ हाँ। वाह, तो अगर मेरी बेटी को मेरे पास ले आए हाँ तो मैं उसका निकाह उसकी शादी आपके साथ कर दूंगी दरोगा जी। वादा करती हो इस बात का? मेरा वायदा है। मुकर नहीं जाना? नहीं। चाहे हमें कितनी परेशानी क्यों ना हो हम उसको हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके जरूर आएंगे। चाहे कितनी परेशानी हो आपको हाँ हाँ जरूर लेके आओगे। और तो ये मेरा वायदा है। एड्रेस पता बताइए। मैं उसका निकाह आपके साथ कर दूंगी। अच्छा। अरे वाह वाह, अभी तक कम्मो कवारी है। अगर हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके आएंगे उसका निकाह हमारे साथ होगा। कम से कम भी 20-25 बच्चे होंगे। बड़े लड़के का नाम राम शरण दीन रखूंगा, उससे छोटे का नाम सतवीर दीन रखूंगा, उसके छोटे का नाम प्रकाश खान रखूंगा। ए दुर्गा जी, उससे भी जो छोटा होगा उसका नरेश कुमार एंड के स्टूडियो खान रखूंगा। ए दुर्गा जी हाँ हाँ, कहाँ खो गए? बसा बसाया खो दिया। ले आओ जल्दी और मैं आपको बताती हूँ एड्रेस। बोलो। उसके अब्बा का नाम है अहमद खां पठान। मेरा नाम है नूरा दे। तुम्हारा नाम है नूरा दे। मेरी बेटी का नाम है कम्मो। तुम्हारी बेटी का नाम है कम्मो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास हमारा मकान पड़ता है अमृतसर शहर के। जी हाँ ठीक है। किसी से मालूम कर लेना गुरुद्वारे के पास जाकर। ठीक है ठीक है, जाइए हम जरूर लेके आएंगे। अरे वाह, अरे ध्यान खुदा से ला गया। रफी दरोगा 6 नंबर लाहौर से चल के अमृतसर शहर में आ गया। भाइयों अहो, ये किसका मोहल्ला भाई? ये आपको कहाँ जाना है? हमने जाना है, कम्मो नाम की लड़की है। अच्छा। अहमद का पठान की बेटी है। अच्छा। उनका घर पता ठिकाना थोड़ा कुछ। अरे आप थोड़ी तो गली जाएगी वहाँ नजदीक खड़े हो वहीं पर। अच्छा। मस्जिद के गुरुद्वारे के पास में जो गली है हाँ हाँ। वही मकान पड़ता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास में। जी हाँ। अच्छा, पहला मकान उन्हीं का ही है। ठीक है। कौन? रवि दरोगा। दरोगा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहिए किससे मिले आपका नाम? कम्मो। तुम्हारे पिता का नाम? अहमद खां पठान। अहमद खां पठान। तुम्हारी अम्मी का नाम? नूरा दे पठानी। ठीक पहुंच गए हैं। क्या बात है, हम लाहौर शहर से आए हैं जी 6 नंबर तंबू से। अच्छा। और तुम्हारी अम्मी जान भी वहीं रुकी हुई है। कैसी है तुम्हारी अम्मी? बहुत बढ़िया, हमारी हिफाजत में है। ठीक है ना? ठीक है। और तुम्हें भी लाहौर शहर में बुलाया है तुम्हारी अम्मी जान ने, ये रफी दरोगा ले जाने के लिए आया है। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान नहीं जाऊंगी जी? मैं पागल ही हूँ, जान का तेल गलवा रहा। मैं नहीं जाऊंगा। प्यार से चलो वरना जबरदस्ती होगी फिर। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं पाकिस्तान नहीं चलूं। मैं तो पाकिस्तान नहीं चलूं। क्यों सहम करो व्यंग ताना, तेरे हिंद देश में रह ना सकती लाजमी जाना।
लो अच्छा क्यों सहम करो दिंगताना हिंद देश में रह नहीं सकती पड़े लाजमी जाना चलना होगा खुदा के लिए छोड़ दूंगा मैं टेम्पू ले लूं पागल है क्या
मेंढा लंदने वाले भारत में भारे लूट गए। पाकिस्तान इंद में इबा हन से हकदार उठ गए। अरे पाकिस्तान में जिना हिंद में पीर जवारे उठ गए। पाकिस्तान वालों ने चाहिए इंद से मेल मिलाना। अरे चुके पटे से सार मर सबे जान यू याना शहर पहुंच चुके हैं। हमारी अम्मी जान कहाँ है? मर खप गई होगी साली, हमें क्या मालूम। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नहीं, सही करे है ये, धोखा नहीं। वापिस जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान। नहीं जा सकती, अब तो आ चुकी हो यहाँ। तुम्हारी अम्मी जान ने हमसे वादा किया था क्या कि रवि दरोगा तुम हमारी बेटी कम्मो को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके आओगे तो उसका निकाह हम तुम्हारे साथ करेंगे। मेरा निकाह आपके साथ? बिल्कुल नहीं। नहीं क्यों ना, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आप मेरे को बहुत पसंद हो, या तो मान जाओ नहीं तो वरना जबरदस्ती होगी। फिर जबरदस्ती करोगे? हाँ हाँ।